Cheap rice in an expensive bag. Panumati, madumati or fulmati could be, but basmati never. Which is why Amira Basmati, the best basmati money can buy. Because Amira Basmati is pure basmati. Have the best, forget the rest. Chi-Chi, fresh and fun fragrance. From Sappho, Style Sense. Sun le meri jana, dil ka afsana. Dil to deewana hai tera. Tu hai to jeene mein aaye maza. Saanson mein tu hi zara duniya saja. Netco Spices, Swad Zindagi Ka. For the perfect homemade meal, take some delicious, locally produced Almarai butter. A passionate cook. Place ingredients in a hot pan. Naturally, sprinkle with love. Mix with family. And enjoy. Almarai butter. The vital ingredient. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. It's time to make the switch to a light, cholesterol-free vegetable oil that is full of nature's goodness. Heart Light is 100% pure canola oil and has the lowest saturated fat, rich in alpha-lanolenic acid, which helps reduce blood cholesterol. Heart Light is perfect for cooking, frying, baking, and simply delicious on salads. Change to the healthy way today. Change to Heart Light canola oil, processed and packed in Canada. Available in all leading supermarket chains, including your favorite store, Choitram. Cheap rice in an expensive bag. Panumati, madumati or fulmati could be, but basmati never. Which is why Amira Basmati, the best basmati money can buy. Because Amira Basmati is pure basmati. Have the best, forget the rest. Welcome back after the break to Amira Basmati Rice ki Shaam-e Iftar. वैसे मैंने आपको ये ब्रेक एक रीजन से दिया था, आपने याद किया? भूल गए? क्या याद करना था, एक बार फिर दोहरा देती हूँ. बेस्ट ब्राउन बटाटा बोंडा बॉल्स इन बीटन बेसन बैटर ब्रेक के बाद. वेल वी आर बैक विद द शेफ विनोद कुमार. शेफ आपने याद किया? याद किया, वेरी गुड. लेकिन मैं शेफ का इम्तिहान नहीं लूंगी, क्योंकि अगर बदले में उन्होंने मेरे कुकिंग का इम्तिहान ले लिया मैं तो गई. तो चले शेफ हम आगे बढ़ते हैं. अब क्या बना रहे हैं? सैफरन पुलाव. वाओ, सैफरन को वैसे केसर कहते हैं ना? केसर कहते हैं. तो ये केसरी पुलाव कैसे बनता है ये तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसे बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं. सैफरन पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए अमीरा प्योर बासमती राइस सोक किया हुआ 200 ग्राम, चिकन या वेजिटेबल स्टॉक 250 ml, सैफरन थ्रेड 3 ग्राम, ऑनियन स्लाइस 30 ग्राम, नैटको गरम मसाला होल 2 ग्राम, नैटको बे लीव्स 1, नमक स्वादानुसार, हार्ट लाइट कैनोला ऑयल. अब सारे इंग्रेडिएंट्स तो देख लिए शेफ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि कब कौन कहाँ जाएगा, तो आप ही शुरू कीजिए और बताइए. सबसे पहले चूल्हा जलेगा? नहीं, ये भी नहीं. पानी भिगाएंगे. अच्छा, कितनी देर के लिए? ये आधा घंटे के लिए भिगा के रखा हम. शेफ आपने कितनी खुशी से कहा नहीं, मतलब आप मेरा दिल रखने के लिए हाँ नहीं कह सकते थे. एनीवे, तो आपने कहा सबसे पहले चावल भिगाना है 1 घंटे के लिए. आधा घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए. ओके जी हाँ, उसके बाद चूल्हा जलाएंगे. तो अगर आप चावल आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें उसके बाद आप चूल्हा जला सकते हैं. अब इस सैफरन राइस के लिए सबसे पहले मक्खन. जी मक्खन जला सकते हैं, घी डाल सकते हैं. थिंक बटर मक्खन ज्यादा टेस्ट लगेगा. शेफ ज्यादा मक्खन प्रेफर, ऑब्वियसली आप जितनी अच्छी चीज डालेंगे टेस्ट भी उतना अच्छा होगा.
अब इस बटर को हम अच्छे से मिल्ट करेंगे। हमारा बटर मिल्ट हो गया। ओके। अब इसमें डालेंगे थोड़ा से अखा गरम मसाला। अखा गरम मसाला। इसमें दालचीनी है, जी। हरी इलायची है, काफी चीजें हैं, क्लव्स भी हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अखा गरम मसाला। तो बटर के मेल्ट होते ही उन सबको और बे लीव्स को दो तीन बे लीव्स। सैफरन पुलाव यानी कि केसरी चावल। जी हाँ, केसरी चावल। हाँ, बड़ा राजस्थानी टच आ गया इसमें। वो गाना है ना, केसरिया बालमा आओ हमारे देश। जी। तो अब आप केसरी चावल को जो है अपने घर जरूर बुला सकते हैं, अगर आप शेफ की रेसिपी को बड़े ध्यान से फॉलो करें। इसके पहले हम थोड़ा सा सैफरन लेके पानी में डाल के रखने हैं, गर्म पानी पे। हाँ, ओके। और उसमें डालते ही उसका कलर निकल जी निकल गया। ओके। सो अब भी हम ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन करेंगे जी हाँ। ओके, देखो कलर भी आ गया इसको। वाओ। अब ये केसर जो है ये पूरे पुलाव को अपने रंग में रंगने वाला है ना शेफ? हाँ जी हाँ। आप भी अगर अपने इफ्तार में जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, मिलने मिलाने वाले, अगर सबको आप अपने रंग में रंगना चाहते हैं, दिस इज़ द वे टू गो। जी हाँ, ये एक बहुत ही बढ़िया डिश है, सैफरन पुलाव। जितना बढ़िया इसका नाम है उतना ही बढ़िया इसका स्वाद भी होगा। इसको हम राइस में पहले डाल के मिला सकते हैं, नहीं तो पानी डाल के राइस डाल सकते हैं हम। ओके। सब आपने आधा कप राइस लिया जी, अब एक कप पानी डालेंगे। ओके, डबल सही, 1:2। सो हम प्रेस डाल दिया हम पहले। थोड़ा सा स्टिर करेंगे इसको। एक्चुअली राइस को बटर में डालने से थोड़ा सा पुलाव में एक फ्लेवर मिल जाएगा। हाँ, फ्लेवर आ जाता है ना ऑनियन का भी। ये पानी के लिए आप ना वेजिटेबल स्टॉक यूज कर सकते हैं, ना पानी यूज कर सकते हैं, ना चिकन स्टॉक यूज करते हैं। हम वेजिटेबल स्टॉक यूज करेंगे। ओके, वेजिटेबल स्टॉक, चिकन स्टॉक या फिर इवन वाटर, ये फ्लेवरिंग जो भी आप इस राइस को देना चाहें। इसके साथ हम ये सैफरन भी डाल देंगे। जो सैफरन हमने गर्म पानी में डाल के रखा था, आई थिंक हार्डली 1 मिनट भी नहीं हुआ और उसका रंग निकल आया था। एक आधा स्पून नमक। नमक। सिंपल, इजी एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी इफेक्टिव। अभी पानी बॉयल हो जाएंगे। हाँ। उसको एकदम ड्राई होने के बाद हम उसको ढक्कन लगा के 25 मिनट दम में रखने का। ओह, तो 5 मिनट तक उबाल आने के बाद उसे काफी देर तक ओपन फायर में पकाना है, जब तक वो कब तक पानी ड्राई ना हो जाए। हाँ, पानी ड्राई ना हो जाए। और अगर आप साथ खड़े हो तो फायर तेज भी हो सकता है। जी। आप कौन सा भी चावल दम में देंगे, 25 मिनट बहुत है। परफेक्ट। लेकिन अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके सैफरन पुलाव की जो बात है वो दूर दूर तक जाए, तो फिर आप इस्तेमाल कीजिए अमीरा बासमती राइस। और खास तौर से यहाँ पर हमने यूज किया है अमीरा प्योर बासमती राइस। वाओ, एक एक दाना कितना खूबसूरती से निकल के आ रहा है। थोड़ा से सैफरन डाल देंगे।